तो ध्यान दो, कल तक मैं जो गवा चुका था, थर्मल एक्सपेंसर में कम गवा चुका था कल। थर्मल एक्सपेंसर कल हो चुका था अपना। नाउ आज का जो टॉपिक है, अच्छा कल मैंने जो करवाया था वो थर्मल एक्सपेंसर इन लिक्विड करवाया था। किसमें करवाया था? नहीं, सॉलिड करवाया था, है ना। नाउ आज है जो थर्मल एक्सपेंसर, एक्सपेंसर इन लिक्विड। ध्यान दो, लिक्विड में ना दो टाइप के एक्सपेंशन देखे जाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या लिक्विड को अपने आप, खाली लिक्विड को आप गर्म कर सकते हैं? सिर्फ लिक्विड गर्म हो, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि लिक्विड को किसी ना किसी कंटेनर में रखोगे, लिक्विड को किसी ना किसी कंटेनर में रखोगे। और जब तुम इसे हीट अप कर रहे हो तो क्या कंटेनर गर्म नहीं होगा? बताइए बेटा, होगा सर। कंटेनर, यस सर, होगा। कंटेनर भी गर्म होगा, ठीक, कंटेनर भी गर्म होगा। तो जब कंटेनर गर्म होगा, तो कंटेनर जब गर्म होगा तो लिक्विड तो एक्सपेंड करेगी, नो डाउट। लिक्विड तो एक्सपेंड करना ही करना है, क्या ये कंटेनर एक्सपेंड नहीं होगा? है भाई, होगा। तो मतलब यहाँ पे आप एक्चुअल जो रियल एक्सपेंशन है उसे निकालना जहां सब मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों टाइप के एक्सपेंशन बात करेंगे। लिक्विड में क्या होता है कि दो टाइप के, तुम्हें पता है कि लिक्विड ऑलवेज बी हीटेड इन ए कंटेनर। क्या बताया मैंने? द लिक्विड इज ऑलवेज बी हीटेड बाय ए कंटेनर, इन ए कंटेनर, इन ए कंटेनर। हमेशा किसी ना किसी कंटेनर में हीट किया जाता है। द लिक्विड इज ऑलवेज हीटेड इन अ कंटेनर। सो देयर इज टू टाइप ऑफ एक्सपेंशन, टू टाइप ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड। कौन से हैं दो टाइप के एक्सपेंशन? पहला है अपरेंट एक्सपेंशन, अपरेंट एक्सपेंशन। ध्यान दो, अपरेंट में हम क्या देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा वो सॉलिड का भी देखा जाएगा, दोनों का जो हमें ओवरऑल जो हमें दिखाई दिया है वो हम देखेंगे ना। तो अपरेंट एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज द एक्सपेंशन इन लिक्विड, इट इज द एक्सपेंशन इन लिक्विड अलोंग विद एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कंटेनर। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कंटेनर के साथ, यानी कि एक्चुअल तो हमें अपरेंट ही दिखाई देगा, हमें क्या पता भाई सॉलिड कितना एक्सपेंड हो रहा है। हम तो दोनों का ऑब्जर्व इफेक्ट देखेंगे ना। और याद रखना, ये जो अपरेंट एक्सपेंशन होता है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम, अपरेंट जो हमें दिखाई दे रहा है हमें कितना बड़ा है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर होगा। याद है जाएगा, अपरेंट, अपरेंट में सॉलिड का भी आ गया लिक्विड का भी आ गया। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे रियल एक्सपेंसिव, रियल एक्सपेंसिव बताओ जी। इट इज द एक्सपेंसिव इन लिक्विड, इट इज द एक्सपेंसिव इन लिक्विड व्हेन एक्सपेंशन सॉलिड इज रिमूव्ड। जब मैं सॉलिड का एक्सपेंशन ना मान के या सॉलिड का एक्सपेंशन हटा दू, तो प्योरली लिक्विड का जो एक्सपेंशन होगा, प्योरली प्योरली लिक्विड का जो एक्सपेंशन होगा उसी को रियल एक्सपेंशन बोलेंगे। यानी कि गामा ऑफ रियल इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम, रियली कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये होगा, याद ही जाएगा, बताइए मुझे। बोलिए, याद ही जाएगा। हेलो, तो रियल एक्सपेंस में मैंने क्या बताया, खाली लिक्विड का एक्सपेंस होगा और अपरेंट में सॉलिड और लिक्विड दोनों का होता है जो हमें एक्चुअली दिखाई देगा, ठीक है ना। गुड आउट।
तो ठीक है, रियल एक्सपेंस तो अपरेंट एक्सपेंस इन सॉलिड में बता चुका हूँ, अब आ जाओ एक्सपेंस इन गैसेज। थर्मल एक्सपेंस इन गैस, अच्छा ध्यान दो, अगर मैं एक्सपेंशन वाइज लिस्ट बोलूं तो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड सबसे कम होगा, देन उसके बाद लिक्विड होगा, देन सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कौन सा होगा, तभी गैस। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड का ज्यादा है देन किससे भी, फोर्स इन लिक्विड एंड देन फोर्स इन गैस। तो गैस के बीच में कोई फोर्स होता ही नहीं, इसी वजह से ज्यादा एक्सपेंड करती है। तो याद रखना थर्मल एक्सपेंस इन गैस, पता होना चाहिए एक्चुअली एक्चुअली गैस एक्सपेंड इन वेरी लार्ज अमाउंट। बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपेंड करती है, एंड समटाइम समटाइम इट एक्सप्लोड, ये फट भी जाती है, एक्सप्लोड विद राइजिंग टेम्परेचर, विद राइजिंग टेम्परेचर, बस इतना ही लिखना है इसमें। कॉफिशियंट गामा तो हमेशा सभी का वही होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय पर यूनिट ओरिजिन वॉल्यूम पर डे की राइजिंग टेम्परेचर, फॉर्मूला सभी का यही होगा। ठीक है, तो ये था सॉलिड और लिक्विड में एक्सपेंशन। अब जो हम पढ़ेंगे, यहां तक तो हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है, उससे पहले हमने थर्मोमेट्री पढ़ा था, आज से हम स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है? ये ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी जो कि डील करता है मेजरमेंट ऑफ हीट के साथ। क्या बताया मैंने? इट इज अ ब्रांच ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ क्या भी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दैट डील्स विद, दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ हीट। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना कॉम्पिटिशन में अलग अलग नाम से, ये पूरा चैप्टर तीन चैप्टर डिवाइड करते हैं कॉम्पिटिशन में, एक थर्मोमेट्री टेम्परेचर का मेजरमेंट, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन जो मैंने अभी खत्म करवाया, तीसरा कैलोरीमेट्री यानी कि मेजरमेंट ऑफ हीट। ये तीन अलग अलग चैप्टर बनते हैं इस कंपटीशन में, एनसीईआरटी में इन तीनों को एक ही जगह दिया हुआ है इस वाले चैप्टर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो ध्यान दो, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री मैंने बताया इट इज अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, इसमें आपके पास दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। तुम्हें पता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट किसी बॉडी को दोगे वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मास के ऊपर। तुम्हें पता होना चाहिए कि इट इज ऑब्जर्व दैट द हीट गिवन टू अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके भी, किस किसके प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर वन द मास ऑफ द सब्सटेंस। ध्यान दो, जितना ज्यादा मास में गर्म करना होगा क्या उतनी ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती, बताइए मुझे। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बोला जाए कि भाई एक गिलास पानी गर्म करना है, और दूसरी बार में बोला जाए एक बकेट नहाने के लिए पानी गर्म करना है, तो किसमें ज्यादा समय लगेगा, यानी कि दोनों को सेम टेम्परेचर पे, तो एक गिलास पानी गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा या पूरा एक पतीला गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा? बकेट ऑब्वियसली गर्म करने में पतीले में ज्यादा हीट चाहिए होगी, एक गिलास को कम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी,
जितना कम मास उतना कम हीट हमें चाहिए. नाउ दूसरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज ऑफ टेम्परेचर. कितना आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, राइज ऑफ टेम्परेचर. दैट इज मैंने क्या बताया, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं तुम्हें गुनगुना पानी गर्म करना है खाली पीने के लिए, और दूसरा मैं कहता हूं आपको बॉयल करना है पानी को, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग में टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ज्यादा हीट चाहिए, या फिर गुनगुने गर्म करने में ज्यादा हीट चाहिए. बॉइलिंग में, क्योंकि बॉइलिंग में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए. तो यहां से इन दोनों से अब देखो तो क्या पता चला है, तो देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास क्या पता चला, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी के, है ना. और दिस इंप्लाइज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एम सी डेल्टा टी हो गया. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एम सी डेल्टा टी. कोई डाउट है यहां तक बताइए मुझे, कोई डाउट बेटा. सर सी कांस्टेंट है. हाँ जी, सी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स कॉल्ड, हम इसे क्या बोलेंगे, एंड इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस. तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, देयरफॉर अगर कोई स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देना चाहे, स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू कितना हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री राइजिंग टेंपरेचर, ये होगा ना. तो देयरफॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगे, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर. मैंने क्या बताया, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, याद है जाएगा. यानी कि एक सब्सटेंस का एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक यूनिट मास को जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसे क्या बोलेंगे, उसका स्पेसिफिक हीट, याद रह जाएगा. बताइए मुझे, तो कोई बताएगा क्या होता है स्पेसिफिक हीट, बोलिए बेटा. इट इज डिफाइंड एज, बोलिए बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, बोलो बेटा कोई तो बोलो. तो याद रहेगा ना, स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट राइजिंग टेम्परेचर, ये होता है स्पेसिफिक हीट. नाउ तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या बनेगी, कोई बताएगा इसकी यूनिट. दंदो हीट होता है आइदर आप कैलोरी में मेजर करो या जूल में मेजर करो. इसकी दो टाइप की यूनिट होगी. अगर मैं प्रैक्टिकल यूनिट की बात करता हूं तो हीट को मेजर करेंगे कैलोरी में. तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये हो गया. और अगर मैं इसकी एसआई की बात करता हूं, एसआई यूनिट की, तो हीट मेजर करेंगे हम जूल में, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस कह सकते हो, क्या फिर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन भी कह सकते हो. क्योंकि एक डिग्री सेल्सियस केल्विन में बढ़े या एक डिग्री सेल्सियस में बने, दोनों में एक ही है. एक डिग्री बढ़ाना है चाहे मैं डिग्री सेल्सियस में बढ़ाऊं या केल्विन में, दोनों में गैप इक्वल होता है, याद है ना. इस चीज को मैंने पहले थर्मोमीटर में भी बताया था आपको. तो इसके एसआई यूनिट तो ये हो गई और प्रैक्टिकल यूनिट ये हो गई. नाउ एक होता मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हो गया, एक्चुअली ये क्या होता, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, क्या बताया मैंने, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पड़ेगी राइजिंग टेम्परेचर. दैट इज मैंने क्या बताया, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है कैपिटल सी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पड़ेगी राइजिंग टेम्परेचर. कोई बताएगा यहां पे एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ मोल्स. क्या है एन? नंबर ऑफ मोल्स. क्या है भैया यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स. तो देयरफॉर मोलर स्पेसिफिक हीट में अगर मैं देखूं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन कैपिटल सी डेल्टा टी होता है, ठीक ना. अगर मैं एसआई यूनिट देखूं, एसआई यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? वही अमाउंट ऑफ हीट यानी कि वही जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी ऐसा यूनिट बनेगी, जूल पर मोल पर केल्विन. वैसे तो प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी पर मोल पड़ेगी, सेल्सियस भी कह सकते हैं. नाउ लिसन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, देन दोनों में क्या रिलेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में, समझिए. मैं मान लेता हूं लेट ए सब्सटेंस विद मोलर मास कितना है, उसका मोलर मास मान लो कैपिटल एम एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स मान लो एन है. तो देयरफॉर मास ऑफ सब्सटेंस को बताएगा कितना मास होगा, बोलिए. एम इज इक्वल टू एन एम होगा. देख एक मोल का मास है कैपिटल एम, कितने मोल है एन, तो एन मोल का मास इतना ही होगा. तो देयरफॉर इट्स स्पेसिफिक हीट देखो, तो स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पड़ेगी राइजिंग टेम्परेचर. ये होता है ना भाई, खाली स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं मैं. नाउ इसे क्या लिखता हूं मैं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय मास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल इंटू में मोलर मास इंटू में डेल्टा टी. अच्छा कोई नहीं बताएगा ये क्या चीज है, बोलिए क्या है ये? मोलर स्पेसिफिक हीट. तो ये क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि कैपिटल सी डिवाइड बाय एम. तो देयरफॉर अगर मैं देखूं तो कैपिटल सी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू में स्मॉल सी आ गया. तो आप वर्डिंग में देखो तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट मोलर मास इंटू में स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा, मोलर मास इंटू में स्पेसिफिक हीट होगा. याद है जाएगा ये फॉर्मूला, बताइए मुझे. यस सर. ठीक, अब आज मोलर यानी कि दो मिनट, मैंने पेज तो दिए नहीं. No. इसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ वाटर पड़ेगी राइजिंग टेम्परेचर. तो मैंने क्या बताया, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज क्या भाई, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ
heat required per unit mass of water per degree rise in temperature. दैट इज मैंने क्या बताया, देखो फॉर्मूला सभी का ये होता है, सी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये सभी के लिए ये होता है। और पता होना चाहिए द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज द स्पेसिफिक, अच्छा पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, वो जो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर है वो स्पेशली कितना होता है यहाँ पे वाटर के केस में, स्पेशली 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस होता है, 15.5 डिग्री सेल्सियस याद है जाएगा। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इस रेंज में एग्जैक्टली स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कोई बताएगा मुझे, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए भाई, 1 कैलोरी हीट। यानी कि अगर 1 ग्राम पानी है तुम्हारे पास और उसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है उसका हीट टेम्परेचर, तो उसे 1 कैलोरी हीट की जरूरत है। अगर इसी को जूल में देखो तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं भाई, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये भी फॉर्मूला बनेगा। सर बायो की क्लास स्टार्ट हो गई, तो ठीक है आज के लिए इतना ही है फिर, ठीक है बाकी कल देखते हैं।